नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। हमारी खास पेशकश सवाल नेताजी में आपका स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं एक डॉक्टर जिन्होंने पीएचडी तो केमिस्ट्री में कर रखी है लेकिन हाथ राजनीति शास्त्र में आजमा रहे हैं। उन पर कभी नक्सली होने के आरोप भी लगे और इन आरोपों में वे जेल भी गए। नूनिया चौहान समाज का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं और उस समाज की राजनीति करने के लिए अपनी पार्टी बनाई है। अभी वे अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। जी हां, हमारे साथ है संजय सिंह चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनवादी पार्टी। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज में। नमस्कार। नमस्कार जी। संजय जी, तो चुनाव की तैयारियां सारी पूरी हो गई, कितने सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, हमारे दल से जो लोग भी चुनाव लड़ने वाले हैं जी, उनकी सूची हमने अखिलेश यादव जी को उपलब्ध करा दिया है। अब उसमें जो हमारे साथी मजबूती से लड़ने की स्थिति में होंगे उन्हें अखिलेश जी चुनाव लड़ाएंगे। हमारा उद्देश्य हमारे अपने लिए नंबर ऑफ सीट लड़ना नहीं है। हमारा उद्देश्य अखिलेश यादव जी की सरकार बनाना है और भाजपा की पूंजीवादी, सामंतवादी और फांसीवादी सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव जी की सरकार बनाना है। तो मतलब अगर कोई सीट नहीं मिलेगी तो भी चलेगा? बिल्कुल, सीट तो मिलेगी, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी, लेकिन हमारा जो गठबंधन है वो वैचारिक गठबंधन है। हम जनवादी हैं, हम वामपंथी विचारधारा के फॉलोअर हैं जी। और आज देश जिस तरह से पूंजीवाद की आगोश में समाहित होने जा रहा है और जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री जी की जल्दबाजी है देश की सार्वजनिक संपत्ति को बेचने का, सरकार के एक एक उपक्रम को प्राइवेट हाथों में देने का, आने वाले समय में भारत में पूंजीवाद इतना मजबूत हो जाएगा कि पूरा मध्यम वर्ग खत्म हो जाएगा और एक मजदूर और मालिक एक तरफ रोटी के अभाव में दम तोड़ते हुए लोग होंगे तो दूसरी तरफ रोटी से खेलने वाले लोग होंगे। ऐसे समाज का सृजन की बुनियाद रख रही है भाजपा और मोदी जी। तो इसके खिलाफ हमारे जनवादी पार्टी के साथी इनका मुकाबला करने के लिए अखिलेश यादव जी के साथ खड़े। ठीक है, आपने कहा कि पूंजीवादी सरकार है, हालांकि छापे पड़ रहे हैं तो अखिलेश यादव जी के नेताओं के यहाँ से भी बहुत सारा धन निकल रहा है, ऐसे आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती है जी। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा संजय जी कि कहा यह जाता है कि 150 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की ऐसी जहां पर आप जिस बिरादरी की राजनीति करते हैं, जिस बिरादरी के प्रतिनिधित्व का दावा करते हैं, उन पर थोड़ा मोड़ा प्रभाव है, तो इतनी सीटों में से मतलब कम से कम 10-20 सीटें तो मिलेगी आपको, 10-20 सीटों पर तो चुनाव लड़ेंगे क्योंकि 150 सीटों पर आप जीतने का मादा रखते हैं, ऐसा दावा आप करते हैं। देखिए, हमारा प्रयास, हमारे दल के जो कार्यकर्ता है जिन सीटों को जीतते हैं उन्हीं सीटों पर हम लड़ेंगे। अखिलेश 2019 के लोकसभा के चुनाव में भी जो महागठबंधन बना था सपा बसपा आरएलडी, उसमें जनवादी पार्टी भी थी और लोकसभा में उन्होंने हमें एक सीट दिया था जिसे जहां मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा था और मैं चुनाव जीता भी था। जबरदस्ती बीजेपी के लोगों ने किस तरह से मुझे हराया ये दुनिया जानती है। तो निश्चित तौर पर अखिलेश यादव जी लोकसभा में हमें हिस्सेदारी भागीदारी दी है तो विधानसभा में भी हमारे पार्टी की कुछ हिस्सेदारी भागीदारी रहेगी। ठीक, आपने कहा चुनाव का जिक्र किया, आपने लोकसभा चुनाव का चंदौली से आप लड़े थे, साइकिल के सिंबल पर लड़े थे, हालांकि आपकी अपनी पार्टी के आप सिंबल पर चुनाव नहीं लड़े थे, साइकिल के सिंबल पर आपने चुनाव लड़ा और आप हार गए, बहुत कम अंतर था। लेकिन यही आपके जो विपक्षी दल है वो यही आरोप लगाते हैं कि आप जिस समाज की राजनीति करने का दावा करते हैं वो समाज आपके साथ है नहीं। आजमगढ़ से आप चुनाव लड़े, 3000 वोट आपको मिले, चंदौली से आप चुनाव लड़े, चुनाव हार गए, आप चुनाव आज तक एक चुनाव जीत नहीं पाए, ये आपके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि और आप समाज के नेता होने का दावा करते हैं। देखिए, हमारे साथ समाज है जी,
अगर मेरा पार्टी और मेरा समाज हमारे साथ नहीं होता तो 2012 में भाजपा हमारे साथ गठबंधन नहीं करती जी, और हम जिस भी सीट पे लड़े भाजपा ने जो सीटें हमें छोड़ी थी उन सीटों पर पिछला रिकॉर्ड रहा भाजपा का कि वो कहीं 2500 वोट पाई है, कहीं 5000 वोट पाई, और हमारी पार्टी लड़ी तो हम कहीं 28000 वोट पाए, 29000 वोट पाए, 22000 वोट पाए, 21000 वोट पाए, 17000 वोट पाए। तो भाजपा के जनाधार से हमारा दल जब लड़ा तो एक बड़ा जनाधार है। 2012 के बाद परिस्थितियां कुछ बदली जी। 2012 में भाजपा जिसे हमने गठबंधन किया, भाजपा ही हमारे दल में एक बड़ा फूट कराने में कामयाब हुई और हमारे कार्यकर्ता, हमारी जनता कंफ्यूजन की स्थिति में हो गई थी। उस दौरान मैं आजमगढ़ में चुनाव लड़ा जी। हमारे पार्टी में भी डिस्प्यूट इलेक्शन कमीशन ने घोषित कर दिया, तो मेरे पास अपने पार्टी का भी सिंबल नहीं था, मैं निर्दल हो गया। तो और कहीं ना कहीं भाजपा की अपनी एक लहर थी जिसमें पूरा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों के दिल और दिमाग में बीजेपी यह पहुंचाने में कामयाब हुई कि अखिलेश यादव जी की सरकार मतलब यादव की सरकार, अखिलेश यादव जी की सरकार में सिर्फ यादव और मुसलमान को मिलता है, शिक्षा और नौकरी सब क्षेत्र में सिर्फ इन्हीं का विकास होता है। जो अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है, जो मोदी जी के साथ खड़ा है वो राष्ट्र के साथ खड़ा है। तो समूचे पिछड़े वर्ग को बांटने में कामयाब हो गए, अन्य पिछड़े वर्ग को ये गलत समझाने में कामयाब हो गए थे, तो उसी में हमारा समाज पूरी तरह से भाजपा के साथ खड़ा हो गया। संजय जी, आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, आपने पाकिस्तान का जिक्र किया तो आज सुबह ही संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, और उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए कि अखिलेश यादव जो है वो पाकिस्तान पसंद है उनको, और पाकिस्तान प्रेमी है वो, और पाकिस्तान से दुश्मनी वो कभी रखना नहीं चाहते, और जिन्ना का उन्होंने बयान जिक्र किया ही था। तो उन्होंने कहा कि अब आपको चूज करना है कि पाकिस्तान प्रेमी की सरकार बनानी है कि जो इस देश के लोग हैं उनकी सरकार बनानी है, आपके गठबंधन में साथी है। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं जी, भाजपा महंगाई की बात नहीं कर सकती, भाजपा बेरोजगारी की बात नहीं कर सकती, भाजपा अच्छी सस्ती शिक्षा की बात नहीं कर सकती, भाजपा देश में आर्थिक समानता कैसे आए इसकी बात नहीं कर सकती, क्योंकि इन सभी बुनियादों पर महिला सशक्तिकरण की बात नहीं कर सकती। इन सभी मुद्दों पर बीजेपी पूरी तरह से फेल है। बीजेपी सिर्फ चुनाव को हिंदू मुसलमान के प्लेटफॉर्म पर लड़ना चाहती, लेकिन हम लोगों ने समाज को, अपने समाज के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को ये समझाने में कामयाबी हासिल कर ली है। अच्छा, कि हम अपने रोजी रोटी, शिक्षा और नौकरी की मसाइल पर चुनाव लड़ेंगे, ठीक है, और हम इसी सवाल पर वोट करेंगे जी जी। लेकिन संजय सिंह जी, बीजेपी बार बार इस सवाल से जनता को हटाना चाहती है जी। नहीं नहीं संजय जी, संजय जी आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मैं सवाल तो विपक्ष से यह है कि बीजेपी के पिच पर जाकर आप क्यों खेलते हैं भाई? बीजेपी तो चाहेगी कि आप उसके पिच पर आए। आप महंगाई की बात करें, लेकिन आपके भी मुद्दे वही हैं, आप भी उसी तरह की, आपके गठबंधन जिस पार्टी से उन्होंने जिन लोगों को टिकट दिया उनका भारी विरोध हो रहा है कि आपने ऐसे लोगों को टिकट दिया जो दंगे में आरोपी रहे हैं, जो पलायन के लिए जिम्मेदार हैं, ऐसे लोगों को आपकी पार्टी में टिकट दिए गए, तो परसेप्शन तो आप ही लोग क्रिएट कर रहे हैं। संजय जी, देश के जितने भी पिछले दंगे हुए जी, जहां भी बीजेपी के विपक्ष की सेकुलर के मानसिक पर चलने वाली पार्टियों की सरकार रही है, बीजेपी एक साजिश के तहत वहां पर दंगे कराती रही है। आज बीजेपी कहती है कि हमारे राज्य में कोई दंगा नहीं हुआ है, क्योंकि दंगे की साजिश करने वाली जो पार्टी है वही तो सरकार में है। तो ये बीजेपी के लोग सिर्फ हिंदू और मुसलमान के सवाल पर लड़ना चाहते हैं,
अखिलेश यादव जी रोजगार के सवाल पे लड़ना चाहते हैं। अखिलेश यादव जी बात कर रहे हैं हम आईटी सेक्टर में 22 लाख नौकरी देंगे, हम 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, हम सस्ती शिक्षा देंगे, हम किसानों का गन्ने का वाजिब मूल्य देंगे, हम समाजवादी पेंशन देंगे, हम महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए हम 18,000 सालाना पेंशन देंगे, वो ये हम इस सवाल पे चुनाव लड़ रहे हैं। और वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव को कम्युनल बना करके हिंदू मुसलमान पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो अब इस उत्तर प्रदेश का मतदाता इतना बेवकूफ नहीं है। और आप तागी लोगों की बात करिए तो आप स्वयं हमारे देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम का ट्रैक कार्ड उठा करके देख लीजिए, इन लोगों के ऊपर कितने बड़े बड़े संगीन मामले हैं। और अपने मामले ये लोग सरकार बनने के बाद वापस कर रहे थे ताकि आने वाले समय में कोर्ट के ट्रायल में कहीं हमें सजा ना हो जाए। तो ये तो खुद ही इनके ऊपर आपराधिक रिकॉर्ड है, इनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। ठीक है संजय जी, आप आपराधिक रिकॉर्ड की बात और मामलों की बात कर रहे हैं तो मैं जरा उस बात पर भी आ जाऊं कि आप पर भी बड़े संगीन आरोप रहे हैं। कभी संगीन आरोप में आपको जेल भेजा गया, आप पर ये आरोप लगते हैं कि आप तो नक्सली हैं। देखिए हम जब अपने समाज अपने हक और अपने हकूक की लड़ाई लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर जिन दलों और पार्टियों के पास हमारा वोट है, जिनके जनाधार कम होंगे तो वो निश्चित तौर पर मेरे खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। उस दौरान बसपा के साथ मेरा पूरा समाज खड़ा था जी। बसपा में हमारे समाज के दो बड़े नेता भी खड़े थे जी। साथ में थे, कोई सांसद था, कोई राजस्व मंत्री था कैबिनेट जी जी। उन लोगों को लगा कि बहन जी इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो हमने विधानसभा का घेराव किया था तो सरकार ने उसमें यह कह दिया कि विधानसभा के घेराव में सोनभद्र और मिर्जापुर से 1500 नक्सली जनवादी पार्टी के कार्यक्रम में शामिल थे। संजय चौहान के साथ नक्सलियों से जुड़े हुए हैं। हम जब अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जब अपनी पार्टी बना रहे हैं तो हम नक्सली हो गए। हम जनवाद की बात कर रहे हैं, हम साम्यवाद की बात कर रहे हैं, हम समाजवाद की बात कर रहे हैं तो हम छोटी जात से हैं तो हम जातिवादी, हमारी जाति पार्टी हो गई। और सबसे बड़ा जातिवाद जिस दल की आज सरकार है, सरकार हमें पिछड़े वर्ग का आरक्षण एक लंबे संघर्ष के बाद मिला और इन्हें 10% रिजर्वेशन 2 दिन के अंदर पास हो गया और आज पिछड़े वर्ग की मेरिट हाई जा रही है और जनरल की मेरिट लो जा रही है। आज सही में रिजर्वेशन जी जी शायद संपर्क टूट गया है चौहान साहब से, हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन संजय सिंह चौहान जिस जनवादी पार्टी को चलाते हैं, जातिवाद की वो बात कर रहे हैं कि हमें जातिवादी घोषित करने की बात की जाती है, लेकिन ये जो दल है, चाहे हम राजभर साहब ले ले, सुभाषपा जो दल है या इनका दल है, तो ये खुद ही कहते हैं कि हम अपनी जाति के अपने समाज के लोगों का एक प्रतिनिधित्व करते हैं और अपनी जाति की बात आगे रखे, इसलिए हमने इस राजनीतिक दल को बनाया है। और जिस अपने समाज की वो बात करते हैं, जिस बात का वो जिक्र कर रहे थे, समाजवादी बहुजन समाजवादी पार्टी में जिन नेताओं का वो जिक्र कर रहे थे, फागू चौहान उस वक्त जब सपा के साथ थे उस वक्त का जी। चौहान साहब बोलिए जी 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 बात पूरी करिए। और दलित वर्ग का व्यक्ति हम जैसे सोशलिज्म है, कम्युनिज्म है, डेमोनिज्म, जनवाद हमारे पार्टी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, एजुकेशन सिस्टम है, हमारा अपना इकोनॉमिक सर्किल है, हमारी अपनी रिलीजियस सोच है। हम एक राजनीतिक समझ और सोच पार्टी चला रहे हैं, लेकिन हमें जातिवादी पार्टी कहा जाता है, समाजवादी पार्टी को जातिवादी उग्रवादी पार्टी कहा दिया जाता है। और जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा जातिवाद किया है, भाजपा की सरकार बनते ही फॉरवर्डों को रिस्ट्रिक्शन मिल गया 2 घंटे के 2 दिन के अंदर, और यहाँ तक कानून पास कर दिया गया कि अब बैकवर्ड का व्यक्ति बैकवर्ड में ही रहेगा, चाहे मेरिट जितने की हाई हो जाए। 15% लोगों को 60% रिजर्वेशन आज मिल रहा है। इस
इसकी जिक्र कभी इसका जिक्र कभी नहीं होता नहीं इसकी बात कभी नहीं होती इस पर कोई उंगली बीजेपी पर उठाता है बीजेपी इतना प्रबल जातिवाद क्यों कर रही है जी। लेकिन संजय सिंह जी आप जैसे जातिवाद का आप जिक्र कर रहे हैं कि बातें तो बहुत होती है कि जातिवाद को खत्म कर देना चाहिए जातिवाद होना नहीं चाहिए आप ही लोगों की ओर से इन मुद्दों को उठाया जाता है लेकिन आरोप ये लगते हैं कि आप ही जाति की एक राजनीति करते हैं आप कहते हैं कि इस जाति इस समाज के हम नेता हैं और उसी समाज को आगे लाकर आप राजनीति कर रहे हैं तो कैसे आप ही लोग जातिवाद की राजनीति करेंगे तो जातिवाद कैसे खत्म होगा संजय जी देखिए हम अगर की बात करने का मतलब बस इतना ही होता है जी कि भारत की जो एक जंजीर है जो एक माला है अगर माले की एक कड़ी भी कमजोर है तो भारत कमजोर है अगर भारत जातियों वाला देश है सभी जातियों को उनका वाजिब शिक्षा और नौकरी और राजनीति में प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए सभी जातियों को समाज रूप से विकसित होने का मौका मिलना चाहिए किसी भी जात के साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए तो ये जातिवाद नहीं है ये तो सामाजिक न्याय है और अगर हम सामाजिक न्याय और सोशल जस्टिस की बात करें कर रहे हैं तो भाजपा को लगता है कि हम जातिवाद कर रहे हैं और भाजपा खुलेआम जातिवाद कर रही है लेकिन वो सोशल उसको वो जस्टिस कहती है सोशल जस्टिस कहती है इस अंतर को भी समझना पड़ेगा आज भाजपा का जो चरित्र है भाजपा ने एक नैरेटिव पैदा किया समाज में कि मोदी जी मतलब राष्ट्र और मोदी जी के जो साथ है भाजपा के साथ है राष्ट्र के साथ खड़ा है और जनता तो राष्ट्र के साथ खड़ी हो गई राष्ट्र के नाम पर भाजपा के साथ खड़ी हो गई ठीक है आज मोदी जी किसके साथ खड़े हैं ठीक आज मोदी जी जनता के साथ खड़े हैं इस देश के पूंजीपतियों के साथ खड़े हैं ठीक लेकिन चौहान जी आपको नहीं लगता कि आप भला ही आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी किसके साथ खड़े हैं लेकिन वही जनता वही जिस जाति बिरादरी की आप राजनीति करते हैं अगर 2014 के नतीजे हम देख ले तो अगर मोदी जी को प्रधानमंत्री चुना गया या बने वो तो उसमें अति पिछड़े वर्ग का बड़ा योगदान बताया जाता है और इसी वजह से वो प्रधानमंत्री बने क्योंकि अति पिछड़ों ने उनको वोट किया और लगातार अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन रही है तो उसमें अति पिछड़ा उनके साथ जा रहा है तो क्यों जा रहा है फिर ये इसलिए अति पिछड़ा वर्ग चला गया जी क्योंकि बीजेपी ने समझाया कि अखिलेश यादव जी की सरकार बनने के बाद ये सिर्फ और सिर्फ अपने समाज और अपने जमात को देख रहे हैं फर्जी लोक सेवा आयोग को यादव सेवा आयोग बना दिया जाता है फर्जी एक आंकड़ा निकाल दिया जाता है कि 65 SDM अकेले यादव हो गए जबकि सही में ये पूरी फेक न्यूज थी तो बीजेपी ने बैकवर्डों की एकता को तोड़ने में कामयाब हुई और बैकवर्डों को भाजपा सपा के खिलाफ भड़काने में कामयाब हो गई अदर बैकवर्डों को तो भाजपा की लालच में चला गया इस बहकावे में चला गया भाजपा के साथ लेकिन बैकवर्ड अब इस चीज को समझ गया कि हम चले तो आए हैं लेकिन आज हमारे पास 27% आरक्षण जो मिला था उसकी भी प्रासंगिकता मोदी जी ने खत्म कर दिया अब उत्तर प्रदेश की जितनी भी भर्ती आप उठा करके देख लीजिए किसी भर्ती में बैकवर्ड को 27% आरक्षण नहीं मिला होगा और सबसे बड़ी बात तो देखिए अभी इस साल में हम आपको घटना बता रहे हैं कि भाजपा मुसलमान के खिलाफ बात करती है लेकिन अल्पसंख्यकों की छात्रवृत्ति 100% भाजपा ने दे दिया जनरल की छात्रवृत्ति 100% भाजपा ने दे दिया लेकिन बैकवर्ड का 1% भी छात्रवृत्ति भाजपा ने नहीं दिया अच्छा ठीक है ये पक्षपात बैकवर्डों के प्रति जो रहा है जो साजिश को बीजेपी अब बैकवर्ड समझ गया है ठीक है आप कह रहे हैं कि बैकवर्ड जवाब देगा जी आप ठीक कह रहे हैं कि बैकवर्ड समझ गया है लेकिन आपको नहीं लगता कि जैसे आपने आरोप जो लगाया कि बैकवर्ड को बहलाया गया फुसलाया गया और वो चले गए लेकिन अगर जमीनी स्तर पर मैं आपसे समझना चाहता हूं क्योंकि आप पिछड़ी जाति का जो अति पिछड़े लोग हैं उनका नेतृत्व करते हैं उनकी समाज की राजनीति करने का दावा करते हैं तो आपको नहीं लगता कि अगर उनके साथ वाकई में काम हुआ होता उनका कल्याण हुआ होता तो किसी की बातों में नहीं आते जैसे कि आप ही की आप जिस दल में अभी गए हैं वहां भारतीय जनता पार्टी से एक चौहान साहब और आए हैं दारा सिंह चौहान साहब तो अब अच्छा हुआ है हमारा जो थोड़ा बटा था वो भी अब
खड़ा हो गया हमारे साथ। नहीं लेकिन तो ताकत और मजबूत हुई। नहीं नहीं कल तक तो उनकी आप आलोचना करते थे कि ये तो समाज के नेता है ही नहीं, ये तो सिर्फ अपना भला समाज के नाम पर अपना भला कर रहे हैं। क्योंकि वो विपरीत विचारधारा की पार्टी के साथ खड़े हैं। अच्छा। और आज वो रियलाइज किए कि नहीं हमें संजय चौहान का साथ देना चाहिए, समाजवादी पार्टी का साथ देना चाहिए। अच्छा। आज हमारे साथ आपके तो हमारी ताकत और मजबूत हो गई। हाँ लेकिन थोड़ा बहुत उनके साथ था बचा था वो हमारे साथ आ गया। हाँ नहीं ऐसा नहीं कि सारे ही आपके साथ आ गए, भारतीय जनता पार्टी भी तो ये दावा करती है कि हम भी चौहानों को प्रतिनिधित्व देते हैं, जैसे श्रीराम चौहान है, फागू चौहान है, रेणु देवी बिहार में आपकी जिन्होंने डिप्टी सीएम बनाया है, तो कहते हैं कि हमने भी समाज को प्रतिनिधित्व दिया है, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है। संजय जी देखिए बीजेपी के जितने भी नेता हमारे समाज में है वो सिर्फ अपने व्यक्तिगत हितों की राजनीति किए हैं, सामाजिक सरोकार से कोई उन्हें मतलब नहीं रहा है। हाँ। और समाज के किसी भी दुख दर्द में इन्होंने शामिल नहीं कभी हुए। जनवादी पार्टी समाज के हर संघर्ष में खड़ी रही है, जहाँ कहीं भी हमारे समाज के लोगों के अस्मिता का प्रश्न आया होगा, समाज की लड़ाई लड़ने का बात आया होगा, कहीं समाज का शोषण होता हो रहा होगा, जनवादी के लोग जाकर के उस दर्द को लड़े हैं, उनके साथ साथ दिया है। तो समाज हमारा अपना समाज जनवादी पार्टी को अपनी पार्टी मानता है और नीतीश को अपना नीतीश मानता है। नहीं अब बीजेपी ये पीछे का दौर था कि बीजेपी किसी को साथ मिली पूरा वोट ले ली, अभी संभव नहीं है। अच्छा लेकिन संजय जी ये आप पर भी आरोप लगते रहे कि आप भैया देखिए अपने सिंबल पर तो आप चुनाव लड़ते नहीं है, अभी भी आप कह रहे कि सपा का के ही सिंबल पर कुछ चुनाव हम लड़वाएंगे, तो आप पर ये आरोप लगते रहे कि आप पैसे लेकर टिकट देते हैं और दावा करते हैं और फिर अपने उम्मीदवार उतरवा देते हैं वोट कटवाने के लिए। जैसे आज तक हमारी पूरी लाइफ में जी एक कोई सिंगल हमारे पार्टी से लड़ने वाला व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि डॉक्टर संजय चौहान पैसे लेकर टिकट देते हैं। जी हम हमेशा विचारों की राजनीति किए हैं। हाँ। और अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत को सम्मान दिया है। हमारा बीजेपी से जब गठबंधन था तो हमने अपने पार्टी से न्यायिक समाज के व्यक्ति को ओम प्रकाश ठाकुर को हमने टिकट दिया, जिनकी माली हालात चुनाव लड़ने की नहीं थी, उनको पैसे देकर तो चुनाव लड़ाया। हमने निषाद समाज के व्यक्ति को चुनाव लड़ाया, एक चौहान समाज के व्यक्ति को चुनाव लड़ाया, हमने एक दलित को भी चुनाव लड़ाया, लेकिन हमने कोई उम्मीदवार ये नहीं कह सकता कि हमने किसी से एक रुपया लिया। हमने लोगों की मदद किया है, हमसे जितना हो सकता है जी। हम अपने पार्टी के सिंबल से ही चुनाव लड़ते रहे। हमारे मैं बताया कि 2012 के बाद बीजेपी हमारे सेकेंड लाइन के नेताओं को बहकाने में कामयाब हुई, मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने हमारी पार्टी को डिस्प्यूट घोषित कर दिया जी। तो निश्चित तौर पर पार्टी का मामला कोर्ट में चला गया। तो हमारे पास सिंबल ही नहीं था तो मैं लड़ता किस चीज से? लेकिन अब हमें मुझे लगा कि मुझे ये पार्टी डिस्प्यूट हो गई है, नया दल बना लेना चाहिए। हमने नए दल का निर्माण भी कर लिया है और अब हम अपने नए दल के साथ चुनाव लड़ेंगे। और दल और पार्टी नेता और नेतृत्व से चलता है, ये किसी के ऑफिस के बाबू की कुर्सी नहीं है कि इसको ट्रांसफर कर दो दूसरा को बिठा दो चला जाएगा। ये समाज की आस्था नेता और नेतृत्व का मामला होता है, जिसके अंदर क्षमता होती है वो समाज का नेतृत्व करता है और जिस पर समाज को भरोसा होता है कि ये हमारे हितों की बात करता है, करता रहेगा, हमारे सुख दर्द में शामिल होता रहेगा, लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं। आज पूरा हमारा तबका जनवादी पार्टी के साथ खड़ा है और आने वाले समय में और मजबूती से खड़ा होगा। ठीक है लेकिन संजय जी एक और आपके ऊपर आरोप लगता है कि आप दल बदलू नेता है, जहां आपकी सेटिंग हो जाती है आप वहां चले जाते हैं। आप बीएसपी के साथ भी रहे, आप बीजेपी के साथ भी रहे, अब आप सपा के साथ आ गए हैं। मैंने कभी बीएसपी के साथ नहीं रहा जी। मैंने कभी इस बार बीजेपी से गठबंधन किया था अपनी विचारधारा से हट करके। हमने जनवादी पार्टी बना के ही अपनी राजनीति की शुरुआत किया है जी। उसके पहले मैंने कभी किसी पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं था जी जी जी। और पूर्वांचल में हमने अपने पार्टी का खाता भी लाल बत्ती से हमने जिला पंचायत अध्यक्ष बनाकर के मऊ से हमने खोल दिया अपने दम पर।
हमने शुरुआत किया था जी, शुरुआती दौर में हमारे समाज का, हमारे पार्टी का मूवमेंट चलता रहा, बहुत नहीं जा रहा था जी। लेकिन हमारी भूल हुई कि 2012 में हमने बीजेपी से गठबंधन कर लिया, हमारे पार्टी के सेकंड लाइन के नेताओं को जल्दी विधायक बनने की आ गई और वो लोग भाजपा से गठबंधन कराने में कामयाब हो गए और जिसकी वजह से आज हमारा पार्टी कमजोर हुआ, पिछले दिनों कमजोर हो गई, लेकिन इस समाज में हमारी ईमानदारी और हमारा काम लोगों को, समाज के लोगों को पता था और लोगों को मुझ पर भरोसा था, आज पहले से भी ज्यादा मजबूत जनवादी का संगठन हमारे साथ खड़ा है। ठीक है, आपने इस दौरान एक सिंबल की भी बात की तो मुझे वो किस्सा भी याद आ गया कि कहा जाता है कि आपके पार्ट कभी आपका कुलाड़ी चुनाव चिन्ह था और आपके कार्यकर्ता वही लेके निकल पड़ते थे तो बड़ा बवाल हो जाता था। जी जी, वही कुलाड़ी चुनाव चिन्ह था मेरा था और विधानसभा का हमने घेराव किया था 25 फरवरी 2009 को जी, और विधानसभा के सामने पुलिस और जनवादी के बीच में 2.5 घंटे तक संघर्ष हुआ था और जिसमें 40-45 पुलिस के लोग भी हॉस्पिटल पहुंचे, जनवादी पार्टी के लोग भी हॉस्पिटल गए, छोटे आई थी कुल्हाड़ी, जनवादी के लोग कुल्हाड़ी चलाते थे, पुलिस गोली चलाती थी रबड़ की जी जी जी, लाठियां चलाती थी, दोनों ओर से चोट लगती थी जी। उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी ने बकायदे इलेक्शन कमीशन को ड्रॉप बनाकर भेजा और कि कुल्हाड़ी चुनाव चिन्ह का प्रयोग जनवादी पार्टी के लोग हथियार के रूप में करते हैं, इसलिए इस चिन्ह को फ्री सिंबल लिस्ट से बाहर कर दिया जाए और उसमें हियरिंग हुई मेरी का और इलेक्शन कमीशन ने फिर उसको सिंबल लिस्ट से ही बाहर कर दिया विधानसभा के कुल्हाड़ी को। नहीं लेकिन चौहान साहब अभी अभी लेकिन जो आपको चुनाव चिन्ह मिला हुआ है वो भी बड़ा खतरनाक टाइप का आरी, तो उसको लेके तो नहीं निकल पड़ेंगे कार्यकर्ता? आप तो मेरे पास आरी भी लेती है जी, क्योंकि एक शर्त होती है कि प्री पार्टी अगर मान्यता प्राप्त नहीं है तो आपको प्री सिंबल लिस्ट सिंबल लेने के लिए 10% सीटों पर चुनाव लड़ने की का एफिडेविट इलेक्शन कमीशन को देना पड़ता है जी, तब इलेक्शन कमीशन हमें देता है। तो गठबंधन में हमें 41 सीट मिली नहीं है इसलिए हम इलेक्शन कमीशन में डाल नहीं पाए और हमारा आरी सिंबल भी इस बार राजा भैया को अलॉटमेंट हो गया है जी। तो इस बार हम अपने फ्री सिंबल से ही चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, फ्री सिंबल से चुनाव लड़ेंगे या अखिलेश यादव की साइकिल पे ही चुनाव लड़ेंगे? मतलब कई कई जगह पर मैक्सिमम सीटें हम साइकिल सिंबल पर ही लड़ेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। और आप कहां से चुनाव लड़ रहे हैं संजय सिंह जी? मैं विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं अपने साथियों को चुनाव लड़ा रहा हूँ। अच्छा। और मैं फ्री होकर के पूरे प्रदेश में हमारा संगठन है, मैं अपने गठबंधन अपनी पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगने का काम करूंगा। ठीक है, तो मतलब चुनाव नहीं लड़ेंगे लेकिन सत्ता अगर आती है तो उसमें भागीदारी तो रहेंगी, बड़ा पद तो मिलेगा आपको? ये तो ये तो अखिलेश यादव जी का विषय है। अच्छा, कि सरकार आने के बाद वो किसको क्या देते हैं, सरकार बनाने के लिए हमें क्या करना है, वे जिम्मेदारियां मुकम्मल निभाएंगे। ठीक है, लेकिन संजय जी कहा यह जाता है कि आप जिस जाति समाज का नेतृत्व करने का दावा करते हैं उसकी यूपी में संख्या बहुत कम है, महज 1.5% के आसपास, लेकिन आप दावा करते हैं कि आपका जो मतलब प्रतिनिधित्व है या जो फैलाव है वो बहुत ज्यादा है। अगर हम देखें नूनिया समाज और लूनिया चौहान जिसको कहा जाता है, मऊ, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, ये जो बेल्ट है, आजमगढ़, महाराजगंज, चंदौली, बहराइच और जौनपुर, ये क्षेत्र में बहुत ज्यादा है आपके समाज के लोग, लेकिन संख्या बहुत कम है, लेकिन आपके वादे और दावे बहुत बड़े बड़े हैं। देखिए, जो समाज पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज नहीं होता है और जिसका जिस समाज की लीडरशिप नहीं होती है वो उसकी संख्या ज्यादा भी होती है तो उसकी कहीं बात नहीं होती है, चर्चा नहीं होती, उसकी गिनती नहीं होती है। जो समाज पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज है वो कम भी है तो ज्यादा दिखता है। हमारा समाज उत्तर प्रदेश के सब जिलों में है और एक अच्छी आबादी है। आप चले जाइए आपका मुरादाबाद, अमरोहा,
बिजनौर, संभल, उस तरफ हमारी बिरादरी को खागी चौहान के नाम से जाना जाता है, खड़क बंटी जी। एक बड़ी आबादी हमारे चौहानों की उधर है, बिजनौर पार्लियामेंट में 2.5 लाख वोट है, मुरादाबाद में एक बड़ी आबादी, फिर आप चले आइए अलीगढ़ मंडल हो गया, आगरा मंडल हो गया, इन मंडलों में हमारी बिरादरी को बोले ठाकुर के नाम से जाति प्रमाण पत्र मिलता है। यहाँ भी लगभग हर विधानसभाओं में वोट है। आप कानपुर मंडल में चले आइए, कानपुर मंडल हो गया, लखनऊ मंडल हो गया, देवीपाटन मंडल हो गया, बस्ती मंडल हो गया, गोरखपुर मंडल हो गया, आजमगढ़ हो गया, मिर्जापुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, बनारस हो गया, इन मंडलों में, उत्तर प्रदेश इन मंडलों में कोई ऐसी विधानसभा नहीं है जिस विधानसभा में हमारे समाज का निर्णायक वोट ना हो। लेकिन चूंकि ये समाज राजनीति में पार्टिसिपेट नहीं करता था, न पॉलिटिकल एक्टिविटी में भाग लेता था, नहीं ये समाज चुनाव लड़ता था, ये मजदूर तबके का समाज बन गया है, तो कहीं ना कहीं ये अपनी रोटी की जंग में ही लगा रहा। हमने पार्टी बना करके धीरे धीरे इनको इस मानसिक स्थिति को ठीक किया है और इन्हें स्थिति लाया है कि रोटी की जंग लड़ो, लेकिन रात की जंग में भी, राजनीति में भी पार्टिसिपेट करो। आपकी पार्टी है, आपका लीडरशिप है, तो अब समाज हमारा धीरे 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 पॉलिटिकली भी आगे आना शुरू किया है। ठीक है। और जो कोई पार्टी टिकट भी इनको नहीं देती थी, क्योंकि ये जब पॉलिटिकली पार्टिसिपेट ही नहीं करता तो टिकट कहाँ से मिलेगा। लेकिन जहां भी किसी पार्टी ने चौहान को टिकट दिया होगा, अगर वो हारा भी होगा तो एक मजबूत लड़ाई दिया होगा, एक मजबूत मुकम्मल लड़ाई लड़ा होगा। ठीक है, ठीक है। चौहान पिछले दिनों में, ठीक, 2012 के विधानसभा के चुनाव में बसपा हमारे समाज को 9 टिकट दी थी और 9 में 3 जीते थे जी, और जो हारे वे बहुत कम कम वोट से हारे थे। ठीक है, ठीक है। चौहान साहब, आप कह रहे हैं कि अच्छा प्रतिनिधित्व है चौहानों का और अच्छे काफी तादाद में वोट है, जीतते भी है आपकी प्रतिनिधि, तो फिर मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि अगर आपकी पार्टी है उसको रिकॉग्नाइज कराना है आपको, समाज के एक पार्टी, बड़ी पार्टी बनाना है जैसे बाकी दल है, तो फिर आप दूसरों के सिंबल पर ही चुनाव लड़ते रहेंगे तो आपकी पार्टी का कैसे प्रतिनिधित्व होगा? प्रतिनिधित्व हमारे, ये हमारा अंतिम चुनाव नहीं है जी, अभी हमें अपनी पार्टी को रजिस्टर्ड कराना था जी, पार्टी के लिए संसाधन इकट्ठा करना है, अभी आगे हम मजबूती से दल को खड़ा करेंगे जी। इस चुनाव को किसी भी तरह से बीजेपी के पूंजीवाद और सामंतवाद, जातिवाद और फासीवाद के खिलाफ इस उत्तर प्रदेश को मुक्त कराना है, ये हमारा उद्देश्य रहा है। और हम अखिलेश यादव जी के साथ खड़े हैं, हमारी पार्टी भी चुनाव लड़ेगी, हम सब लोग चुनाव लड़ेंगे, हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे और आगे हमारी पार्टी भी चलेगी। ठीक है, ठीक है। मैं एक और सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा चौहान जी, अति पिछड़ों की आप बात करते हैं लेकिन आपने कहा कि कई छोटे छोटे दलों को अखिलेश यादव ने साथ भी लेकर एक गठबंधन बनाया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को आप लोग साथ नहीं ले पाए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े गंभीर आरोप भी लगाए कि हमें धोखा दिया गया और अति पिछड़ों की ये बात तो करते हैं लेकिन ये खड़ा होते हुए देखना नहीं चाहते, हमारी रीढ़ को ये कमजोर करना चाहते हैं, तो क्यों बात नहीं बन पाई? क्या आपकी चंद्रशेखर से बात होती है? क्या क्यों ये बन नहीं पाया और क्या इसका नुकसान नहीं होगा आपको नहीं लगता है चुनाव में? देखिए, कोई नुकसान नहीं होगा जी। चंद्रशेखर जी अगर मिशनरीज व्यक्ति है और अगर मिशन चला रहे हैं बहुजन हिताय को और बहुजन वर्ग को एक नया आवेग, तो नया आयाम देना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर ये वक्त था बीजेपी को कमजोर करने का, बीजेपी को सत्ता से हटाने का, और उन्हें अखिलेश यादव जी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ना चाहिए था, और जो चीजें अखिलेश जी दे रहे थे उन्हें लेकर के अपने बहुजनों की एकता को और मजबूत बनाना चाहिए था। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इसमें कोई साजिश है, क्योंकि पूरा दलित वर्ग के एक बड़ी आबादी इस बात को मानती थी, मानती है और मान रही है कि
बीजेपी को हटाए बगैर हम अंबेडकरवाद को, हम मानवतावाद को, हम बहुजनवाद को मजबूत नहीं कर सकते। और आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी हैं जो बीजेपी को हटा सकते हैं। नहीं, तो उन्होंने हरा सकता है, जी, उसका साथ देना चाहिए। नहीं संजय जी, उन्होंने भी यही कहा कि हम इतने दिनों तक इंतजार हमने इसीलिए कहा क्योंकि हमारी लड़ाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, लेकिन नेताजी ने हमें आश्वासन तो देते गए और ऐन मौके पर हमें धोखा दे दिया। और चूंकि बहुजनों की रीढ़ जो है वो झुक न जाए, नहीं तो ये तो सिर्फ हमारा इस्तेमाल करते रहेंगे, हमें हिस्सेदारी नहीं देना चाहते ये, इसलिए मुझे इतना बोल्ड स्टेप लेना पड़ा, ये उनका कहना था। आप हमें बताइए जी, 80 सीटें सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में, इन 80 सीटों पर तो दलित वर्ग के लोग ही तो लड़ते, कहां कम थी। लेकिन जब हम दर्शन की बात कर रहे हैं, सिद्धांत की बात कर रहे हैं, बहुजन एकता की बात कर रहे हैं, तो वहां हमारी महत्वाकांक्षा कम होनी चाहिए, उद्देश्य बड़ा होना चाहिए। ठीक है, लक्ष्य हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस होना चाहिए। और लक्ष्य अगर उनका बीजेपी को हराना होता तो निश्चित तौर पर वह समाजवादी पार्टी के साथ खड़ेगा। ठीक है, एक सवाल और संजय जी कि पृथ्वीराज चौहान किसके नेता है? बहुत लोग दावा करते हैं, आप भी दावा करते हैं कि आपके हमारे महापुरुष हैं, तो ये पृथ्वीराज चौहान वाला बड़ा कंफ्यूजन है, तो थोड़ा दर्शकों को आप बताना चाहेंगे कि किसकी? जी, पृथ्वीराज चौहान हमारे वंशज हैं जी, और जिनके वंशज नहीं है हाँ, वे लोग कभी पृथ्वीराज चौहान की बड़ी बड़ी मूर्तियां पार्क और ये चीजें नहीं लगाया, वे महाराणा प्रताप को लगाए, महाराणा प्रताप के मूर्तियां लगाए लोग, महाराणा प्रताप के पार्क बनाए, स्मारक बनाए, पृथ्वीराज चौहान के नहीं बनाए, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान निश्चित तौर पर हमारे समाज के वंशज है, और ये कहीं ना कहीं मेरे समाज के नौजवानों और लोगों के आइकन भी हैं। और इस पर इतिहास में मैं बहुत नहीं जाना चाहता, मैं पृथ्वीराज चौहान को बस एक आइकन के रूप में ही मानता हूँ कि ये हमारे वंशज हैं, और कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज अगर इस देश पर राज किए हैं तो आज भी राजनीति में हमारे समाज को भाग लेना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, ये मेरी सोच है। और इसी सोच के आधार पर हम पृथ्वीराज चौहान को अपने पूर्वज मानते हैं और अपने साथ जोड़कर देख सकते हैं। अच्छा ठीक है, आप भी कहते हैं गुर्जर सम्राट कहा जाता है उनको, गुर्जर लोग कहते हैं कि हमारे सम्राट है, राजपूत कहते हैं, जी जी, देश के राजा थे, हिंदुस्तान इतना बड़ा उस समय राज्य था, देश था, और राजाओं की अपनी क्या क्या क्राइटेरिया थी, क्या क्या उनकी जाति श्रेणिया थी, मुझे इतना इतिहास का अनुभव नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं मेरे पूर्वजों से लिखते आया है संजय चौहान शब्द जुड़ा हुआ है, और हमारे पूर्वज भी बताया करते थे कि पृथ्वीराज चौहान की सत्ता जाने के बाद हम लोग राजस्थान के सांभर झील से के आसपास रहने वाले लोग थे, वहां से भाग करके मैनपुरी आए, फिर मैनपुरी से हमारे पूर्वज इधर विस्थापित हुए पूर्वांचल की तरफ। तो यही सारी चीजें हैं जो हम लोग जोड़ करके देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान हमारे वंशज हैं। ठीक है, अच्छा संजय जी, कहा यह जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता है, कद्दावर नेता राजनाथ सिंह जी, जो कभी मुख्यमंत्री भी रहे उत्तर प्रदेश के, उनसे आपके बड़े अच्छे संबंध है, और ये भी कहा जाता है कि बहुत एहसान है आपके ऊपर राजनीति के शुरुआत के दौर में, तो अभी भी संबंध है बरकरार, आप उधर चले गए या अभी कुछ खटास है? देखिए हाँ, हमारे व्यक्तिगत संबंध राजनाथ सिंह से आज भी है, और हमें दुख भी इस बात का है कि मोदी जी अगर आज देश के प्रधानमंत्री हैं तो उसका सबसे बड़ा श्रेय राजनाथ सिंह को जाता है, लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले किनारे राजनाथ सिंह को करना उन्होंने शुरू कर दिया, बेटे को मंत्री तक नहीं बनने दिया, टिकट बड़ा मुश्किल से मिलता है, मिला, तो
मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने वाले व्यक्ति को आज भाजपा में हाशिए पर किया गया है, तो इसका मुझे दुख है। नहीं, हाशिए पर कैसे आप कह सकते हो, तीन नंबर की पोजीशन पर है, इतना बड़ा मंत्रालय उनके पास है, रक्षा विभाग उनको सौंपा गया है। भाजपा में वो एक नंबर के नेता थे जी, और सीनियरिटी में भी वो इन लोगों से बहुत सीनियर है। हाँ। उन्हें फिर एक नंबर, दो नंबर से तीन नंबर क्यों बनाया गया? उनके बेटे पंकज विधायक हैं, लेकिन मंत्री नहीं बनाया गया। नहीं, बना देंगे तो आप ही कहेंगे फिर परिवारवाद का आरोप लगा देंगे कि देखिए मैं इधर भी मंत्री, पिताजी भी, पुत्र को भी मंत्री तो बना दिया। परिवारवाद का आरोप नहीं है। हाँ। अगर वो विधायक है तो परिवारवाद का आरोप नहीं है। हाँ। विधायक भी है तो भी तो परिवारवाद का आरोप लगाया जा सकता है, लेकिन ये चीजें नहीं है। सच्चाई तो यही है कि मोदी जी राजनाथ सिंह को हाशिए पर कर दिए है, उनकी मजबूरी है कि केंद्र में उन्हें मिनिस्टर बना करके रखना। अगर मजबूरी नहीं रहती तो राजनाथ सिंह जी लखनऊ चले आते, मोदी जी ऐसी हालात पैदा कर देते। ठीक है, अच्छा मैं ये हमारे व्यक्ति के संबंध उनसे है और आज भी है, और उन्हें अच्छा भी लगता है जी कि मैं अक्षय व्यक्ति के साथ हूँ, अखिलेश यादव जी के साथ हूँ। अच्छा, हमारे पोलिटिकल रिश्ते अखिलेश यादव जी से। तो कभी जरूरत पड़ेगी राजनाथ जी को और वो आपको पुकारेंगे तो जाएंगे? देखिए, व्यक्तिगत रूप से मिलने जा सकता हूँ, बस पोलिटिकली हमारे सारे डिसीजन अखिलेश यादव जी के साथ रहेंगे। आरएसएस में कहीं जनवाद और समाजवाद नहीं है और हम अपने विचारों से समझौता अब नहीं कर सकते। ठीक है संजय जी, एक अंतिम सवाल आपसे कि अगर सरकार बनती है अखिलेश यादव की, जैसे आप लोग दावा कर रहे हैं, तो संजय सिंह जी को चौहान समाज जो है, जिसका आप नेतृत्व करते हैं, वो किस रूप में देखेगा, क्या उम्मीदें हैं आपकी? देखिए, मैं इतना जानता हूँ कि अखिलेश यादव जी का व्यक्तित्व और नेचर समाज को देने वाला है, प्रदेश और देश को बनाने वाला है। सरकार रहते उन्होंने इतना कुछ उत्तर प्रदेश को दे दिया कि योगी जी उसी के, उन्हीं के किए हुए काम को आगे बढ़ा करके आज तक फीता काट रहे। योगी जी एक काम ऐसा नहीं है कि वो बता सके कि हमने उद्घाटन किया और हमने इसका शिलान्यास किया, हमने इसका उद्घाटन किया। तो निश्चित तौर पर अखिलेश यादव जी का व्यक्तित्व सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलने का है, सभी वर्ग को सम्मान देने का है, सभी वर्ग को जस्टिस देने का है। तो अगर उनकी सरकार बनेगी तो मेरा समाज भी जस्टिस पाएगा, हम लोग भी खुशहाल होंगे, हम लोगों का समाज भी सम्मानित होगा। चलिए ठीक है, एक अंतिम सवाल, क्योंकि दो दो नेता हो गए अब समाजवादी पार्टी में, एक चौहान साहब है, दारा सिंह चौहान, और एक आप, तो बड़ा चौहान नेता किसको माने समाज, चौहान समाज किसको बड़ा ने, दारा सिंह चौहान बड़े या संजय सिंह चौहान बड़े? देखिए, दारा चौहान एक व्यक्ति है और जनवादी पार्टी एक समाज का समूह है, एक पार्टी है, एक संगठन है, और संगठन व्यक्ति से बड़ा होता है। तो निश्चित तौर पर चौहान जनवादी पार्टी को अपनी पार्टी मानता है और उसके नेतृत्व को अपना नेता मानता है। दारा सिंह चौहान का सपा में आए हैं, हमें खुशी है कि हम लोगों की लड़ाई को और मजबूत बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका संजय जी, और शुभकामनाएं आपको आने वाले चुनाव के लिए। आप जैसी उम्मीद है आपकी, वैसे आप इस चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो अच्छी आपको सफलता मिले, ये शुभकामनाएं आपको, और समाज के हित में, देश के हित में सारे राजनीतिक दल काम करें, यही शुभकामनाएं। आज सवाल नेताजी में संजय सिंह से हम बात कर रहे थे, उन्होंने बड़ी बेबाकी से तमाम सवालों का जवाब दिया। अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि इस बार अखिलेश यादव की सरकार बनने वाली है और उसमें उनका जो अति पिछड़ा समाज है, जिसका वो नेतृत्व करते हैं, उसका बड़ा हाथ रहने वाला है। नतीजे चुनाव के बताएंगे कि किसकी सरकार बनती है सत्ता में, कौन काबिज होता है, और तब अगर आते हैं अखिलेश जी तो चौहान साहब को क्या जिम्मेदारी मिलती है। आज बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे एक नए शख्सियत के साथ। आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।